Hey friends, don't forget to press the subscribe button and the bell icon for future notifications. तो आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे आचारी चिकन मोमोस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमें चाहिए कटा हुआ प्याज, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, सौंफ, कलौंजी, कटा हुआ टमाटर और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें. इसके साथ ही हमें चाहिए बारीक कटा हुआ चिकन. चिकन आप जितना बारीक काटें उतना अच्छा होगा. ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेने के बाद अब हम आगे की तैयारी स्टार्ट करते हैं. तो चलिए, सबसे पहले एक पैन में हम तेल गरम करेंगे. ये हमने तेल डाल दिया है और अब हम इसको हीट करेंगे. और जब तेल अच्छे से हीट हो जाए उसके बाद हम इसमें सौंफ और कलौंजी डाल देंगे और इसको रेडिश ब्राउन होने तक सेकेंगे. अच्छे से इसमें इसको फ्राई करेंगे. उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें एक चम्मच हम डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे. इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज मिलाएंगे और इसको फिर से चलाएंगे अच्छे से जिससे ये मिक्स हो जाए. इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर मिक्स करेंगे और अच्छे से चलाएंगे इसको. और फिर इसे थोड़े टाइम के लिए हम रख देंगे जब तक कि सारे टमाटर का जूस अच्छे से इसमें मिक्स हो ना जाए. उसके बाद हम इसमें बारीक कटे हुए चिकन के पीसेस मिलाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे लाइक दिस. उसके बाद हम एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें स्वाद अनुसार नमक उसमें मिक्स कर लेंगे. पानी में मिक्स करने के बाद अब हम इस नमक के घोल को अपनी स्टफिंग में डाल देंगे और इसके बाद ये सारा जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जो नमक है ये हर जगह पहुंच जाए. और अब हम ढक्कन लगाकर वेट करेंगे कम से कम 10 मिनट्स का, जब तक हम मोमोज बनाने के लिए मैदा गूंद लेंगे. मोमोज बनाने के लिए हम जो उसका मैदा गूंदेंगे वो टाइट होना चाहिए जिससे कि मोमोज फटे ना और उसकी जो शेप है वो भी परफेक्ट आए. तो इस तरह से हम जो मैदा है उसको एकदम टाइटली गूंद लेंगे और जब तक हमारी स्टफिंग भी रेडी हो जाएगी. हमारी स्टफिंग भी रेडी हो गई है, अब हम उसे ले आएंगे और अब हम मोमोज की शेप देना उसे स्टार्ट करेंगे. थोड़ा सा हमने मैदा लिया, उसका हम लोई बनाएंगे अच्छे से जैसे रोटी बनाते हुए बनाते हैं, उसी तरह एक छोटी सी रोटी बनाएंगे इसकी लोई की. और फिर इसमें हम वो अपनी स्टफिंग डालकर इसको गुजिया की शेप दे देंगे. देखें इस तरह से हमने इसमें स्टफिंग मिलाई और अब हम इसको गुजिया की तरह इसको बंद कर देंगे और गुजिया की शेप इसको दे देंगे लाइक दिस. ये जो चिकन के पीसेस हैं इनके अंदर जो पानी जो है वो सोक जाएगा जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है. और क्योंकि हमने इसमें सौंफ और कलौंजी मिलाई है तो इसमें अचार का टेस्ट भी आता है जो बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत डिफरेंट है. ये भी बहुत टेस्टी लगता है, आप ज़रूर इसे घर पर ट्राई करें. और ये हमने गुजिया की शेप दी है, आप कोई अलग शेप भी दे सकते हैं. इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देकर, मैंने तो सिर्फ गुजिया की शेप्स दी हैं, आप अलग अलग शेप देकर ये मोमोज तैयार करें. और मेन चीज़ है इसकी स्टफिंग. ये स्टफिंग इसको बहुत यूनिक और बहुत ही डिलीशियस टेस्ट देती है. इस तरह से आप इसको प्लीज़ ट्राई करें और मुझे ये लिखना ना भूलें कि आपको ये कैसा लगा. इसी तरह से हमने सारे मोमोज तैयार करने हैं और फिर इसको स्टीम करना है. विदाउट स्टीमर मोमोज कैसे बनाए जाएं इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं. और फिर आप बिना स्टीमर के भी घर पर मोमोज बना सकते हैं. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.